औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे बहन और भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी बहन को ज़रूर याद रखें। आज जो मैं अमल आपको बताने लगी हूँ, ये उन मेरी प्यारी बहनों के लिए और भाइयों के लिए है जिनके प्यारों ने उन्हें स्टॉप कर दिया, ब्लॉक कर दिया, बात नहीं करना चाहते अपनी, जिनसे भी आपका उनस था, जिनसे भी आपको सच्ची मोहब्बत थी, चाहत थी, लेकिन उन लोगों ने आपके दिल को तोड़ा या आपको तकलीफ़ पहुँचाई। तो आपकी बहन होने के नाते मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, लेकिन जो तरीका आपको मैं बताऊंगी आप वही तरीका अख्तियार करें। इंशाल्लाह आपका जितना भी मसला, जितनी भी परेशानी है, अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाएगी। ये जो अमल छोटी सी सूरत मुबारक का मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अपने प्यारों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए भी कर सकते हैं। और याद रखें कि ये अमल मुक्किल है, इसकी अपनी एक ताकत है। किसी को भी अपना मुसख़र करने के लिए, अपना दीवाना करने के लिए ये अमल किया जा सकता है। सूरह कौसर को आप कम से कम 7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ़ के साथ पढ़ना है। और कोशिश करें कि ये अमल जो सा है ज़ोहर के टाइम करें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़कर आप वहीं जायनमाज़ पर बैठ जाएं। जायनमाज़ पर बैठने के बाद आपने एक सुरख रंग की डोरी लेनी है। डोरी कोई सी भी ले लें, उसको 2-3 दफ़ा फोल्ड करेंगे तो वो एक डोरी बन जाएगी, ठीक है। आपने वो डोरी को तैयार करना है। जो सूरह कौसर है वो पहले आप पढ़ें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ, और 41 मरतबा या वदूदू का विर्द करें, या वदूदू पढ़ के उस डोरी के ऊपर दम करके, तसव्वुर इतना आपका मजबूत हो कि जिसके लिए आप अमल कर रहे हैं वाकई ही वो आपके सामने बैठा हो, वाकई ही वो आपको नज़र आ रहा हो, या आपके दिल में इतना तसव्वुर मजबूत हो कि उसकी याद आप तक पहुँच रही हो। और आप एक बात याद रखें, तसव्वुर कैसे कायम करते हैं, आप कोई तस्वीर देख लें, ठीक है, उससे भी तसव्वुर अच्छा कायम हो जाता है। जिनसे मोहब्बत हो, जिनसे उन्स हो, जिनसे प्यार हो, वो तो वैसे ही दिल में होते हैं, तो दिल में जो है उनकी तस्वीर अच्छी खासी आपको याद होगी। तस्वीर दे सामने रख कर अमल ना करें जब तक अमल में इजाज़त ना दी जाए, ठीक है। अब आपने डोरी का क्या करना है, धूप में डोरी को, धूप में किसी भी तार के ऊपर या छत पर, किसी भी जगह जहाँ पर हवा आती हो और लहर, मतलब कि जैसे हवा की लहर आती हो और वो डोरी हिलती हो, इंशाल्लाह आप देखेंगे 3 से 4 दिन भी नहीं होंगे आपका प्यारा वापस लौट आएगा। और जिनको इतनी तकलीफ़ अज़ियत है कि उनका प्यारा उनको स्टॉप कर चुका है, ब्लॉक कर चुका है, इंशाल्लाह अनब्लॉक कर देगा। इसी के साथ इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स बॉक्स में या फेसबुक ज्वाइन करें और फेसबुक पर रब्ता आप कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरा। और अगर आप इस्तखारा रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं तो अपनी बहन को याद कर सकते हैं। जहाँ तक मुन